अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाक कैरियर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में एमसीबी बैंक में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और लास्ट पर अप्लाई करने का कंप्लीट मेथड बताएंगे ताकि आप अपना खुद भी अप्लाई कर सकें, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जॉब्स और एडमिशन की न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एमसीबी बैंक में टेलर सर्विसेज ऑफिसर यानी कैश ऑफिसर की पोस्ट पर पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। टेलर सर्विसेज ऑफिसर की डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो इंडस्ट्री हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, कैटेगरी में अकाउंट्स, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास 400 प्लस है। ये हमारे पास फुल टाइम परमानेंट जॉब होंगी। डिपार्टमेंट हमारे पास रिटेल बैंकिंग ग्रुप है। जॉब लोकेशन को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मर्दान, मुल्तान, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोधा, सियालकोट, सखर, एबटाबाद, अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, चकवाल, डेरा गाजी खां, फतेह जंग, गुजरात, जेलम, जंग, कोहाट, लाड़काना, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर एजेके, मीरपुर खास, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, नवाबशाह, नुशेरो फिरोज, उकाड़ा, रहीमयार खान, साहिवाल, शेखुपुरा, टोबा टैक्सिंग, विहाड़ी, मियावाली, सवात और मकरान शामिल है। ऑलमोस्ट तमाम शहरों में अनाउंसमेंट की गई है। जेंडर नो प्रेफरेंस, मतलब मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर रिक्वायर है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री या किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएस, मास्टर, एमफिल वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लास्ट डेट की बात की जाए तो 21 मार्च 2021 की लास्ट डेट है। यहाँ पर बाकी डिटेल भी दी गई है जिसमें स्कोप, जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम ग्रेजुएशन की हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात की जाए तो 26 साल तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एनटीएस के थ्रू रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब तमाम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट की बात की जाए तो कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे जिसमें एड्रेस, सेल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह लिखे। कैंडिडेट ने अपनी ईमेल चेक करते रहना है क्योंकि वहां से ही टेस्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि वो अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखे। अप्लाई की बात की जाए तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। आप उनकी वेबसाइट पर आ गए हैं, आपको करंट ओपनिंग्स में रिटेलर सर्विसेज ऑफिसर की जॉब शो हो जाएगी। रिटेलर सर्विसेज ऑफिसर के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद आपको उस जॉब की तमाम डिटेल शो हो जाएगी जो हमने आपके साथ डिस्कस की है। आप खुद यहां से अच्छी तरह डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट में अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ है तो आपने ईमेल और पासवर्ड पुट करें और लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आपका rosy.pk पर अकाउंट बना हुआ है तो आप उस अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करें। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करें जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस वगैरह पुट करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पुट करें, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यानी एक्सपीरियंस है तो पुट करें वरना नो पर क्लिक करें और फिर अपनी सीवी अपलोड करें, सिक्योरिटी कोड पर क्लिक करें और लास्ट पर सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको एक मेल आएगी, उसके बाद आपने अगेन लॉगिन वाले पेज पर आ जाना है। उसके बाद मेल और पासवर्ड पुट करें और लॉगिन करें। अगर लॉगिन हो जाता है तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, अगर लॉगिन नहीं होता तो आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। आपने ईमेल और पासवर्ड लिखना है और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक मेल आएगी, उस मेल में एक लिंक दिया होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद रीसेट पासवर्ड वाला पेज शो हो जाएगा, आपने न्यू पासवर्ड पुट करना है। पासवर्ड कुछ इस तरह से सेट करना है कि जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक डिजिट और एक सिंबल हो और वो पासवर्ड 6 वर्ड से ज्यादा हो। और उसके बाद वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बॉक्स पर पुट करें और लास्ट पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। उसके बाद अब ईमेल और न्यू पासवर्ड जो अभी आपने चेंज किया है वो यहाँ पर पुट करें और लॉग इन करें। उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सीवी वगैरह अपलोड करें, माई जॉब पर क्लिक करें। उसके बाद आपको करंट ओपनिंग में आपको
टेलर सर्विसेज ऑफिसर की जॉब शो हो जाएगी। आपने अप्लाई पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अगेन से डिटेल शो हो जाएगी, फिर अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करें, उसके बाद एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। इसमें कुछ चीजें पहले से ही फिल होंगी, लेकिन जो फिल नहीं होंगी आप उन्हें फिल कर लें, पर्सनल डाटा पुट करें, उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर का डाटा पुट करें, उसके बाद सीवी अपलोड करें और लास्ट पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट या इनके दिए गए नंबर पर भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जॉब्स और एडमिशन की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल पाक कैरियर एडवाइजर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।